गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन शेप्स एंड डिजाइन के अंतर्गत कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे बेसिक, तो उसके बारे में देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म, सबसे पहले फिगर, कौन कौन सी टाइप्स की फिगर होती है। ओपन फिगर, उसके बाद क्लोज फिगर्स, उसके बाद एग्स, कॉर्नर, ये चारों चीज़ें अपन इसमें रीड करेंगे अभी। तो क्या क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे ओपन फिंगर के बारे में। कॉर्नर एक्स आ गए, अब देखिए, अब एक्स में क्या होती है, लाइंस होती है। अब लाइन भी दो टाइप की होती है, एक तो प्लेन होती है जैसे सीधी लाइन होती है, ठीक है, देखिए ना प्लेन लाइन, दूसरे के कवर्ड ऐसे घुमावदार, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसी टाइप से हो सकती है। इस टाइप से एग्स होती है, एग्स बोलते हैं अपन लाइन, आ गए समझ में, ये टू टाइप की लाइंस होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्लोज फिगर। क्लोज फिगर्स का मतलब होता है जो चारों साइड से बंद हो, जैसे ये देखो ये रो है, ये रो दिखाई दे रहा है, ये कहीं से ओपन नहीं है ना, इसको बोल सकते हैं क्लोज फिगर। ये देखिए ये सर्कल है, इसको भी हम क्लोज फिगर बोल सकते हैं। रेक्टेंगल है, इसको भी क्लोज बोलेंगे। स्क्वायर है, उसको भी क्लोज फिंगर बोल सकते हैं। इसके अलावा ट्राइंगल है, ये भी क्लोज है, मतलब जो कहीं से ओपन है उसको कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज फिगर। आगे समझ में, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद है ओपन फिगर्स। ओपन देखिए मतलब जो साइड से खुली हो, जैसे ये लाइन यहाँ पे कर रखी है ऐसे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और भी ऐसे हो सकती है, कोई भी टाइप से जिनके ओपन हो, बंद नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, ओपन फिगर। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद अब देखते हैं शेप्स, बेसिक शेप्स। क्या पहले सबसे सर्कल, ठीक है, सर्कल, सर्कल क्लोज फिगर होती है। सर्कल क्या होती है, क्लोज फिगर, चारों तरफ से बंद है, नो कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर तो इसके होंगे नहीं कहीं साइड से, कॉर्नर कॉर्नर तो किनारे होते हैं, किनारे इसके कहाँ, ये तो गोल है। नो एग्स, ना ही एक से किनारे ना कॉर्नर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सर्कल के बाद। अब सर्कुलर थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलर जैसी होती है, जैसे अपने ये डीवीडी की कैसेट्स होती है, ये सर्कल साइड में होती है। इसके अलावा व्हीकल होते हैं, उसके टायर हैं, कार है, बस है, ट्रक है, सब के। इसके अलावा फुटबॉल है, गेंद अपने बॉल होती है छोटी वाली। इसके अलावा और क्या सर्कल शेप में, अपनी रोटी हो गई, और बताइए, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ अपने मन से लिख सकते हो। जैसे कोई बाउल होती है, बाउल के ऊपर की साइड क्या होती है, सर्कल में होती है। इसके अलावा वाटर बॉटल, उसका कैप होती है, वो भी सर्कल में होती है। तो इस टाइप से सर्कुलर थिंग्स बहुत सारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद ट्राइंगल। ट्राइंगल एक क्लोज फिगर, अब ट्राइंगल भी बंद है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज फिगर। थ्री कॉर्नर, कॉर्नर कौन से कहते हैं, वन टू ये थ्री, ये क्या है, इसके कॉर्नर है। और थ्री एक्स यानी किनारे, वन किनारा टू थ्री, थ्री इसके क्या है, ये किनारे। अगर समझ में, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ट्राइंगुलर थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्राइंगल, जैसे देखिए ये घर है, बिल्डिंग, इसके आगे देखो ये ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, ये देखो मंदिर ट्राइंगल जैसा बना हुआ है। इस टाइप से और भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हो जो ट्राइंगल शेप में हो, उसको अपन ट्राइंगल थिंग्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये भी क्या है, क्लोज शेप फिगर है, क्योंकि चारों साइड से ये क्या है, बंद। इसके कितने कॉर्नर है, फोर कॉर्नर, वन टू थ्री, ये फोर कॉर्नर हो गए। एग्स एंड किनारे भी चार है, वन टू थ्री फोर हो गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल कुछ इसके थिंग्स देखते हैं, जैसे देखिए ये जो शेप है, ये रेक्टेंगल टाइप है, ये पूरी, ये भी रेक्टेंगल टाइप से। इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेबल होती है उसकी ऊपरी शेप रेक्टेंगल जैसे होती है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी ऊपरी की शेप रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब टू टू साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल की आपको कितनी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, आप अपने मनपसंद के नाम लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है स्क्वायर। ये स्क्वायर जिसकी टू टू साइड इक्वल, सॉरी फोर साइड इक्वल होती हो। अब देखिए
एक क्लोज फिगर, ये भी चार में सबसे बंद है तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोज फिगर हो गया। उसके बाद फोर कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर वही जो स्क्वायर के होते हैं वैसे स्क्वायर होते हैं, ये रेक्टेंगल कॉर्नर तो सेम होंगे, और एक सेंट किनारे भी चार चार होते हैं, ये हो गया इस टाइप से। अब इसको टाइप कुछ थिंग्स देखते हैं, ये डाइस देख लो, डाइस ये डाइस भी क्या है, स्क्वायर। अब डाइस के ना दो साइड से नंबर टोटल कितने होते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको, दो का टोटल होता है सेवन। जैसे अब इधर फाइव है, ये फाइव से ना नंबर, अब आपको पता है फाइव के पीछे कितना होगा, फाइव के पीछे होगा टू, क्योंकि दोनों साइड का टोटल करते हैं तो कितना होता है सेवन होना सही, फाइव और टू सेवन हो गया। अब दूसरी साइड इधर फोर है, फोर है ना, तो इधर इसकी साइड में थ्री होंगे, कितने होंगे थ्री, थ्री और फोर सेवन हो गया। अब इधर टू है तो फाइव होगा, इधर ऊपर वन है तो इसके नीचे कितना होगा सिक्स होगा। इस टाइप से आप इसको डाइस को समझना, दूसरी शेप्स को। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप से अपना शेप्स की बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच, सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।